नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग फिर अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे, और इसके पहले हम लोग जनसंख्या संगठन की बात कर रहे थे और उसमें ढेर सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। जनसंख्या संगठन, आयु संरचना, ये सभी बातें हुई थी। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को मिल रही है पढ़ने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। अब ये क्या होती है, सबसे पहले यानी जो लोग गांवों में निवास करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या जो होती है उसी को हम लोग रूरल पॉपुलेशन कहते हैं, और जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसको अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। और मानव संसाधन के मूल्यांकन में इन दोनों क्षेत्रों का बहुत ही मुख्य रोल है इसमें, कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या ये किस तरह के काम कर रही हैं, और साथ में यहाँ का अनुपात कैसा है। अब विश्व में जो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का वितरण है, इसमें असमानता मिलती है। अपने भारत देश में यदि बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत गांवों में बसा हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे मैक्सिमम है, कम से कम 3/4 हिस्सा आपका यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है। जबकि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, कृषि वगैरह हैं, वो ज्यादा होती हैं, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ जनसंख्या जनता गांवों में निवास करती है। और इन देशों में जो औद्योगिक विकास होता है ये भी जो है साथ साथ धीरे धीरे नगरों के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और क्या होता है, साथ में मानव संसाधन का जो विकास होता है उसका उपयोग किया जाता है, उसकी संभावनाएं बहुत सारी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और उस आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ प्रशिक्षण है, रोजगार की व्यवस्था करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। इसके अलावा यदि हम और देखते हैं आगे, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में नगरीकरण में अभी बहुत सारे पीछे हैं। इसमें गांवों में जनसंख्या अधिक है, कुछ ही देश ऐसे आते हैं जो कि अपवाद के स्वरूप है। एक त्रिवार्था नाम के भूगोल वेत्ता हुए, और उन्होंने बताया कि नगरीय एक चक्रीय प्रक्रिया है, और जिसमें होकर एक देश कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ता है। गांवों से जब जनसंख्या पलायन करती है और अपनी सुविधा चाहती हुई नगर में निवास करती है, और वहां फिर उद्योग धंधों में काम में लग जाती है, औद्योगिक उत्पादन हो जाता है, तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश में वहां की ग्रामीण जनसंख्या और वहां की नगरीय जनसंख्या में। इसके बाद और भी थोड़ा सा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक टॉपिक और हम लोग को यहाँ मिल रहा है, साक्षरता, लिटरेसी। अब ये लिटरेसी क्या है, किसी भी देश में जो भी वहां के पढ़े हुए लिखे लोग होते हैं और उनमें जो भी क्षमता होती है पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, उसको हम लोग साक्षरता के नाम से जानते हैं, लिटरेसी है। और इसमें क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण एक समाज का पहलू है, और साथ में यथार्थता का सूचक है। गरीबी उन्मूलन भी इसमें देखा जाता है। इसमें खास बात यही है कि गरीबी उन्मूलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब जनसंख्या पढ़ी लिखी हो जाएगी, साक्षर हो जाएगी, तब वो अपना भला देख पाएगी, देश का भला सोच पाएगी, और कहीं ना कहीं वो गरीबी अपनी मिटा पाएगी। तो गरीबी उन्मूलन के लिए, मानसिक स्वतंत्रता के लिए, शांति के लिए, मैत्रीपूर्ण जितने भी संबंध हैं, इन सब के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। बिना साक्षरता के ये सब चीजें संभव नहीं है। साथ में समाज की जो आर्थिक पोजीशन है, सामाजिक स्थिति है, और जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, इन सब में साक्षरता बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा और यदि देखते हम लोग, तो कुछ जनांग की विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और आर्थिक दरों में भिन्नता को भी ये प्रभावित करती है।
साथ में साक्षरता दर में अलग अलग भिन्नता भी मिलती है। हम भारत के भी अलग अलग राज्यों को देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में जो लिटरेसी रेट है वो चेंज है। साथ में इसको हम ये कह सकते हैं कि साक्षर किसको माने। सबसे पहली बात ये है कि साक्षर हम माने किसको, तो वही व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। यदि यूएनओ की परिभाषा लेते हैं तो साक्षरता का तात्पर्य अपने जीवन में साधारण कथन को समझ लेने व लिख लेने एवं पढ़ लेने की योग्यता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। अब साक्षरता दर में भिन्नता कैसे आती है, चेंजिंग कैसे होती है, डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी रेट में, तो अब इसमें क्या है कि समय के साथ साथ और जो भी विशेषता हमको विभिन्नता मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है। अब किन किन क्षेत्रों में ये मिलती है हमको साक्षरता की विभिन्नता, उसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जब क्षेत्र में होती है तो वहां पे नगरों में साक्षरता अधिक होती है, गांवों में साक्षरता कम होती है। दूसरा फैक्टर आता है पुरुष और स्त्री साक्षरता। पुरुषों को देखते हैं गांवों में भी अब भी रिवाज है, बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, लड़कों को पढ़ा दिया जाता है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो स्त्रियों में साक्षरता दर कम मिलती है, पुरुषों में अधिक मिलती है। इसके अलावा अलग अलग सामाजिक वर्ग भी हमको देखने को मिलते हैं समाज में, और वो भी अपने यहाँ कि हमको बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, तो अलग अलग वर्गों में साक्षरता दर चेंज मिल जाती है। और विभिन्न व्यवसायिक वर्ग भी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो समय बर्बाद होगा, इनकम प्रभावित होगी, तो ये कुछ ऐसे वर्ग होते हैं और इनमें साक्षरता दर में चेंजिंग आ जाती है। और साथ में आवास, लिंग, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक श्रेणी है, ये सभी ऐसे हैं कि जहाँ पे साक्षरता दर चेंज हो जाती है। और ये अभी साक्षरता क्रांति की पहली ही अवस्था है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर साक्षरता दर बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके अलग अलग कारक भी, फैक्टर भी निर्धारित करते हैं कि नगरीय केंद्रों में सामाजिक चेतना का प्रसार प्रसार ज्यादा हो जाए, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय केंद्रों में शिक्षा की सुविधाएं अधिक होती हैं, है ना, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, बच्चों को शिक्षा देने से अधिक जागरूकता बढ़ जाना, और नगरीय समाजों में स्त्रियों को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाना, बराबरी का दर्जा दिया जाना, इससे भी पढ़ने में उनको छूट दी जानी, तो ये ढेर सारे ऐसे फैक्टर हैं कि वहां पे जो साक्षरता दर है ये प्रभावित होती है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है, एनसीईआरटी के ही जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बोर्ड से ही संबंधित सभी क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। तो इसमें जनसंख्या संगठन का वर्णन है, लिंगानुपात कैसे नापते हैं, ये सभी चीजें हम लोग ने डिटेल में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा और भी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। इसमें से जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में हम लोग ने जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर भी इसमें दिए गए हैं और उन आंसरों को आपने वहां से कर लिया है, फिर भी आपको जहां प्रॉब्लम हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और इस तरह फिर और आगे चलते हैं तो ये हमारा जो लेसन है ये पूरा हो जाता है, और इस लेसन के बाद हम अगले लेसन में फिर पढ़ेंगे। इसके नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और हमारे नंबर पे चेक करा लीजिएगा, साथ में ये